देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माफी राज को लेकर जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार के मंत्री इन बयानबाजी पर पलटवार कर माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। नैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने माफिया राज के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा के सत्ता में आते ही इस दिशा में कोई कदम न उठाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश में ओल्ड हिमाचल व न्यू हिमाचल में खनन के अलग अलग नियम लागू करने की बात कही। जब हम विपक्ष में होते हैं तो इन इश्यू को हम उठाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो वही कानून व्यवस्था, वही खनन, वही सारी चीज़ें, ये फॉरेस्ट माफिया, ये शराब माफिया, मुझे लगता है कि परमानेंट इशू जो है वो अपोजिशन वालों के बन जाते हैं और जो सत्ता में जाते हैं उन सारी बातों को भूल जाते हैं। ओल्ड हिमाचल प्रदेश में कोई और कानून है, और नए हिमाचल जो मर्ज्ड एरिया है उसमें अलग से नया कानून जो है वो लागू होता है। और उससे मैं कहना चाहूँगा कि आज खड वही है, अगर तो हमीरपुर में अगर मान लो उसका जो है वो ऑक्शन हो और किसी को लीज के ऊपर मिले तो खड तो वही है, वो बिलासपुर का हिस्सा भी वही है, हमीरपुर का भी वही है। लेकिन हो रहा है कि हमीरपुर में तो करप्शन लग सकता है लेकिन बिलासपुर में नहीं लग सकता, साइंटिफिक वे से उसका दोहन हो, ये नहीं हो कि रात रात को अली खड जो है ना 20-20 फुट नीचे चलेगी, हमारे क्यार जो है वो 20 फुट ऊपर और अली खड 20 फुट नीचे, तो उससे क्या है कि जो हमारी जो 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 हमारी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर पानी लगता है, जो हमारे क्यार हैं वो आज ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए इस खनन वाले इशू को सरकार को मैं कहूँगा कि बड़ी इसमें जो जो है सोच समझ के, ये जो मर्ज्ड एरिया और ओल्ड हिमाचल की बात है इसमें जो है वो एक ही फार्मूला अपनाया जाना चाहिए। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में माफियाओं पर नेताओं का संरक्षण होने और अब उंगली उठाकर मात्र औपचारिकता करने की बात कही। साथ ही वीरेंद्र कंवर ने माफिया राज के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और सरकार द्वारा बेहतरीन कार्य करने का दावा भी किया। इसके पास कहने को कुछ नहीं है, जितना काम, जितना बढ़िया काम कोरोना में हुआ और हम उसको कम्युनिटी स्प्रेड करने में जो है हम उसको नहीं होने दिया, हमने कम्युनिटी स्प्रेड जो है नहीं होने दिया। और जिस तरह से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, विपक्ष उसमें एक सहयोग देना चाहिए इस संकट के समय में, लेकिन एक घिसी पिटी बातें अगर उनके समय में था तो बहुत सारे लोग उन्हीं में से जो था वो उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो मात्र औपचारिकता के लिए जो है वो उंगली उठाने का जो है वो काम कर रहे हैं। आज बड़ी सख्ती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ माफिया राज को हमने समाप्त किया है, और हम ये कह सकते हैं कि जो ये माफिया राज है इसमें हमारी जीरो टॉलरेंस है, किसी को जो है वो इसमें स्टे नहीं करेगी।